Assalamu alaikum dear students, welcome to e-learning class of IT. I am Intiaz Ahmad Ittu, vocational trainer of IT from ITRC Technologies. हम पढ़ रहे हैं लिब्री ऑफिस राइटर के बारे में, जिसमें हमने जाना कि लिब्री ऑफिस सूट में हम लिब्री ऑफिस राइटर कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसको कैसे ओपन करेंगे एंड उसको कैसे हम क्लोज करेंगे. आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ लिब्री ऑफिस राइटर के बारे में. जानेंगे. पहला है हमारे पास टाइटल बार. टाइटल बार क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द राइटर विंडो. टॉप ऑफ द राइटर विंडो पे जो होता है उसको हम टाइटल बार बोलते हैं, जिसपे नाम लिखा होता है उस फाइल का एंड जिसपे राइट साइड में तीन बटन होते हैं, क्लोज, रेस्टोर, मिनिमाइज. इट शोज द टाइटल ऑफ द करंटली ओपनड विंडो. इस टाइटल बार पे क्या लिखा होता है? जो हमने करंटली ओपन की होगी विंडो उसका नाम लिखा होगा वहाँ पे. ओके, द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट मीन्स द फाइल नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट चाहे हमने सेव किया हो. इट शोज द नेम विच वी हैव सेव्ड वेन एवर वी राइट एनी डॉक्यूमेंट. आफ्टर दैट वेन वी सेव द डॉक्यूमेंट वी सेव इट बाय अ नेम. दैट नेम इज शोन हेयर एट द टाइटल बार. सपोज इफ यू हैव टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, इट शोज द अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट विदाउट नेम. व्हेन वी सेव इट, इट शोज द नेम. आफ्टर सेविंग इट, आफ्टर गिविंग द नेम टू द फाइल, इट शोज हियर एट द टाइटल बार द नेम ऑफ द फाइल. बाय डिफॉल्ट इट इज अनटाइटल्ड. यहाँ पे हमें अनटाइटल्ड है, अनटाइटल्ड वन, क्योंकि हमने भी इसी फाइल सेव नहीं की थी, इसका टाइटल है अनटाइटल्ड. इसीलिए टाइटल बार के राइट साइड में तीन बटन होते हैं. ये तीन बटन आप हर एक विंडो में देखोगे, जो भी आप ओपन करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे या कोई भी डायलॉग बॉक्स में उसके बटन आते हैं. पहला है हमारा क्लोज बटन, जिसे प्रोग्राम क्लोज होता है. दूसरा है हमारा रेस्टोर टाउन, जिसे हमारी जो विंडो है वो हम छोटी कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं एज पर रेस्टोर टाउन. एंड तीसरा है हमारा मिनिमाइज, जिससे हमारी जो राइटर विंडो है या जो कोई भी विंडो ओपन है वो मिनिमाइज होती है टू द टास्क बार. दीज थ्री बटन आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द टाइटल बार. टाइटल बार के बिल्कुल नीचे आता है हमारा मेन्यू बार. इट अपीयर्स बिलो द टाइटल बार एंड इट शोज द मेन्यूज आइटम्स. ये मेन्यू आइटम शो करता है हमें, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टेबल. दीज आर ऑल मेन्यूज विच आर प्रेजेंट ऑन द मेन्यू बार. ऑन सिलेक्टिंग ए मेन्यू, जब हम मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं वहाँ से सब मेन्यू निकलता है, वो हम दिखाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में. वी कैन सिलेक्ट एनी आइटम इन द सब मेन्यू एज पर द रिक्वायरमेंट. जो भी हमें जरूरत होगा तो हम वो मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं. ये है हमारा सब मेन्यू. सिलेक्टिंग द फाइल मेन्यू शोज द सब मेन्यू एज शोन इन द फिगर. यहाँ पे हमने देखा आया है कि जब हम मेन्यू सिलेक्ट करते हैं, हमने यहाँ पे मेन्यू फाइल मेन्यू सिलेक्ट किया तो वहाँ से सब मेन्यूज आई. दीज आर ऑल सब मेन्यूज. ओके, सब मेन्यू में क्या होता है? वहाँ पे राइट साइड में डॉट्स हो सकती है या एरो. दिस एरो द सब मेन्यू आइटम विच शोज राइट हैंड साइड एरो, उसका मतलब हो गया जस्ट आफ्टर द सब मेन्यू नेम मीन्स क्लिकिंग ऑन इट विल ओपन अनदर सब मेन्यू. इसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे तो नेक्स्ट सब मेन्यू आएगा. जहाँ जहाँ पे भी ये एरो होंगे वहाँ पे राइट साइड में जो एरो होगी इसका मतलब है अगर इस पे हम क्लिक करके वहाँ से और सब मेन्यू आएगी. मेन्यू के अंडर सब मेन्यू जाते हैं, अगर सब मेन्यू के सब मेन्यूज पे आगे एरो होगा तो उससे क्या होगा कि उसके अंडर भी सब मेन्यूज आ सकते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली जिस जो भी काम करना होगा. द सब मेन्यू आइटम विच शोज थ्री डॉट्स जस्ट आफ्टर द सब मेन्यू नेम मीन्स क्लिकिंग ऑन इट विल ओपन ए डायलॉग बॉक्स. अगर उसके सामने तीन डॉट्स आए फिर हम वो उस वहाँ पे फिर डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, फिर हम उस पर काम कर सकते हैं. ओके, थैंक्स फॉर पेटेंट वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ.